नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। दिन भर के कुछ मुख्य खबरों को लेकर मैं आपके साथ मालविका। भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी शहीद प्रीति लता वादेदार की मूर्ति को वार्ड नंबर 23 के भुवनेश्वरी काली मंदिर के सामने किया गया स्थापित। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने किया अनावरण। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यूथ ऑफ इंडिया की पहल पर और वनवासी कल्याण आश्रम की सहयोगिता से रन फॉर भारत 10 किलोमीटर मैराथन कार्यक्रम का आज सिलीगुड़ी में किया गया आयोजन। मैराथन में दौड़े सैकड़ों धावक। राजगंज के माझियाली ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित प्रधान का तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इलाके के निवासी सुमित दत्त को प्रधान के रूप में पाकर हुए खुश। 10 सितंबर को बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत आमबाड़ी के चिंता मोहन हाई स्कूल में राजगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से संप्रीति कप फुटबॉल मैच का किया जाएगा आयोजन। रक्त की किल्लत को दूर करने नक्सलबाड़ी ट्रेडर्स एसोसिएशन और नक्सलबाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की संयुक्त पहल पर नक्सलबाड़ी यूनाइटेड क्लब में रक्तदान और स्वास्थ्य जाँच शिविर का किया गया आयोजन। जमीन पर खेती करते समय नक्सलबाड़ी के लालपुल इलाके में देखा गया पेंगोलिन। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेंगोलिन को किया बरामद। स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को भारत नेपाल सीमा खोरीबारी से एक बांग्लादेशी युवक को किया गया गिरफ्तार। आरोपी को आज सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया गया पेश। अलीपुरद्वार के दो नंबर ब्लॉक के भाटीबाड़ी के थानुपाड़ा इलाके में भाजपा कार्यकर्ता की आंखें फोड़ने का आरोप तृणमूल पर। हालांकि तृणमूल ने आरोपों से किया इनकार। माथाभांगा एक नंबर ब्लॉक के भेलाकोपा इलाके में तृणमूल नेता पर धारदार हथियार से हमला, आरोप भाजपा पर। हालांकि भाजपा ने आरोपों से किया इनकार। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे रैपिड टाइम्स।